नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर देखने को मिला मार्केट में गिरावट, बड़ी गिरावट देखने को मिली। और ये बड़ी गिरावट ये थी कि अगर बात करें कल की, तो कल मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो कुछ थी 18,960 के आसपास। आज मार्केट में मॉर्निंग के सेशन में कुछ तेजी देखने को मिली और मार्केट ने जो हाई बनाया था सुबह वो बनाया था 18,046 के आसपास, जहां लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि आज कुछ बाउंस बैक देखने को मिले। बट फिर से दोस्तों एक गिरावट देखने को मिली और आज का जो लो बना है मार्केट का, तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का लो बना है 17,796 का। बट दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी भी जो डेली के चार्ट पे जो बना हुआ हैमर है, या फिर आप फोर आवरली के चार्ट पे देखेंगे, जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है, मैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की बात करूंगा, जिसका एसएल बनता था 17,775 का, वो अभी 20 पॉइंट से एसएल इसका बचा है। और अगर अभी बात करें तो वहां से एसएल बचने के बाद बाजार में क्या है, बाउंस बैक देखने को मिला है। और ये बाउंस बैक की अगर हम बात करें तो बाउंस बैक बहुत बड़ा बाउंस बैक नहीं है, बट अगर हम बात करें तो लास्ट में मार्केट में एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और मॉर्निंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश है। और अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे को मार्केट अगर 17,881 का हाई ब्रेक करता है, जो कि 17,796 का लो बना के मार्केट ने हाई बनाया था, तो 17,881 के ऊपर मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। तो काफी लोगों के मैसेजेस थे और काफी लोग बात कर रहे थे, जैसे कि हमने भी रिकमेंडेशंस करी थी कि 18,200 में हमने निफ्टी शॉर्ट करा के 18,100 से हम निफ्टी में बाइंग में बैठ गए थे, और हमने 17,795 का एक एसएल दिया था, जो कि बताया था कि हाँ भाई शॉर्ट टर्म में एसएल लेके आप चल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा एसएल था क्योंकि पैटर्न जो फॉर्म था वो क्या था, डेली चार्ट और अवर्ली चार्ट के हिसाब से था। बट दोस्तों अभी मैं जो आपको मंडे का जो व्यू दूंगा, मंडे का व्यू सीधे सीधे ये है कि देखो बाइंग का पैटर्न बना हुआ था तो इसलिए हमने बाइंग इनिशिएट कराई, हाँ ठीक है। बट उसके बाद भी अगर बात करें तो 17,775 का एसएल अभी बचा हुआ है, 20 पॉइंट से एसएल बचा हुआ, क्या 20 पॉइंट से बचा हुआ एसएल, क्या वाकई में यहां से बाउंस बैक देखे जाएगा, जो कि हमारे इतिहास में पहले भी कई बार हुआ है कि कई बार जो एसएल है कोई 20 पैसे से बचता है, कोई 50 पैसे से बचता है, कोई 1 रुपए 2 रुपए से एसएल बच के वहां से टारगेट आते हैं, क्या इस बार ऐसा इतिहास दोहराया जाएगा, वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ये निफ्टी जो है 17,859 के आसपास है, और लास्ट टाइम अगर हम बात करें कैंडल की, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये जो लो बना था, मैं बिल्कुल सपोर्ट पे लेके जाऊंगा, वो सपोर्ट दोस्तों देख रहे हैं वो कितना है 17,775 का। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये एक सपोर्ट बना है, तो होने को ये भी हो सकता था, लग रहा था कि हो सकता है कि आज ये एसएल कट के फिर ये कुछ डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन हो, फिर वहां से बाउंस बैक देखने को मिले, बट अभी क्या है एसएल बचा हुआ है, और एसएल बचा हुआ है तो उम्मीद अभी क्या है कायम है। हालांकि हमको एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके नहीं बैठे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल कि यहाँ से मार्केट सीधा 20,000 चले जाएगा, 21,000 चले जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बट ये है कि हाँ ठीक है शॉर्ट शॉर्ट अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 100-200 पॉइंट के एसएल से तो बहुत ट्रेड्स वगैरह हमने आपको पहले भी बताए थे और सब में टारगेट भी अचीव हुए हैं। बट अभी फिलहाल अब बात करेंगे तो फिलहाल हम शॉर्ट में यही बात करेंगे कि अभी एसएल बचा हुआ है, मंडे को 17,881 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उसके ऊपर बाजार जाता है तो वहां से आप क्या है बाइंग करके अपनी पोजीशन चल सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो 42,181 के आसपास आया है मार्केट। और अगर बैंक निफ्टी का लास्ट का टाइम देखें अगर हम बात करें तो अभी बैंक निफ्टी में 30 मिनट का चार्ट मैं देखना चाहूंगा, और 30 मिनट के चार्ट में भी फिर वही फॉर्मेशन, यानी कि वही मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है। तो क्या बाजार इस बार 42,260 के ऊपर बुलिश हो सकता है, क्या बाजार अगर 42,260 के ऊपर जाता है मंडे को, क्या वहां से मार्केट में एक रिवर्स देखने को मिला या बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ये दोस्तों मंडे की बात है, मंडे को लेवल्स ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। अगर लेवल ब्रेक होते हैं, ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर हम ट्रेड बनाएंगे। और दोस्तों क्या है कि हम बहुत बड़ा व्यू लेके नहीं बैठे मार्केट में, एक एसएल दिया था 40 जब निफ्टी चल रहा था कुछ 18,100 पे, कुछ 300 पॉइंट का एसएल था, वहां से टारगेट भी जो था वो 400-500 के आसपास का टारगेट था, ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट में थोड़ी गिरावट आई बट अभी भी उम्मीद कायम है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा कोई ऐसा कोई खास व्यू नहीं था, बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं था कि बैंक निफ्टी का कुछ हमने कोई रिकमेंडेशन या कोई एक कोई सजेशन वगैरह हमने नहीं दिया था, बट हाँ लग रहा है कि बाजार लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, और लग रहा है कि मार्केट जो 44,000 के आसपास का हाई बनाया था वो फिर से हाई इसका बनेगा, थोड़ा सा वेट है बट वेट करना होगा, बट अभी नहीं कह सकते कि यहीं से ही बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी
कुछ पैटर्न की फॉर्मेशन इस बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिली, हाँ निफ्टी में दोस्तों वो देखने को मिल गई है। ऐसी दोस्तों बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की, तो यहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स की बात करते हैं, तो जिसमें टाटा मोटर है। टाटा मोटर का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, 382 के आसपास चल रहा है और ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये हमने भी, मेरे पास भी बाइंग में है और मैं 386 से बाइंग में हूँ, 390 पे भी मैंने स्टॉक्स लिया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे तो इसको हमने 375 के एसएल से बाइंग किया है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि इसमें पैटर्न फॉर्म है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बट वही है दोस्तों कि डेली चार्ट का पैटर्न है और लगातार वहां से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब नहीं है कि जरूरी नहीं, ठीक है कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है कई बार बिल्कुल ही हमारे सजेशन से नहीं चलता या फिर हमारे व्यू के अकॉर्डिंगली नहीं चलता। व्यू तो दोस्तों क्या है कि आप जो व्यू बनाते हैं वो एक बेसिकली जो हम बनाते हैं वो टेक्निकल चार्ट के बेस पे बनाते हैं। हालांकि टाटा मोटर ने अपना सपोर्ट भी ब्रेक करा है, अगर हम बात करेंगे तो ये सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, इसका एक लेवल आपको देना चाहूंगा टाटा मोटर के कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ये अभी 390 का लेवल ब्रेक करेगा तो वहां से और भी ज्यादा इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। बट दोस्तों क्या होता है ना कि जब हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन क्यों लेते हैं, अगर हम बात करें तो जैसे मान लो आपके घर के बाहर बारिश का मौसम है तो आप क्या करेंगे, छाता लेके बाहर चलते हैं। आपको लगा कि बारिश हो सकती है, आप छाता लेके बाहर गए, बट क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद धूप खिल गई तो वो छाता आपके लिए बोझ बन जाता है और आप कहते हो कि क्यों मैं कि ये छाता लेकर आया। बट ऐसा नहीं होता, बट आपने जब छाता लेने का डिसीजन लिया था वो सिचुएशन के हिसाब से लिया था। तो सिचुएशन के हिसाब से हम ट्रेड बनाते हैं, पैटर्न्स को देख के ट्रेड बनाते हैं। ऐसा पैटर्न पहले कभी देखने को मिला था उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड बनाते हैं। कई बार क्या होता है एसएल कट जाते हैं, कई बार टारगेट आते हैं। जब टारगेट आते हैं तो हम नहीं वाह वाही करते हैं, एसएल आते हैं तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या लॉस हुआ है हमारा और वो पैसे का लॉस होता है। पैसे का लॉस मेरे हिसाब से बड़ा लॉस होता है मार्केट की अगर हम बात करें तो। ये चीजें हैं, बट अब अभी आप क्या है कि इस जो बाजार इतना लाल है, इस लाल निशान में भी दोस्तों कुछ खरे की उम्मीद आप देख सकते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स आप ले सकते हैं जिसमें टाटा मोटर अच्छा स्टॉक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 870 रुपये चल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो लास्ट में रिकवरी देखने को मिली है। आईसीआईसीआई बैंक 860 रुपये से 870 रुपये गया है। और दोस्तों मैं आपको अभी भी बोलना चाहूंगा कि ये एक अच्छा स्टॉक है, इसको आप खरीद सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अभी बाजार मार्केट में गिरावट है, कुछ स्टॉक्स आपको अच्छे रेटों पे मिल रहे हैं, आपको उनकी मतलब कदर नहीं होगी, बट जब ये भागेंगे, जब ये निकल जाएंगे ना, तब आप देखते रह जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो के हिसाब बना के चल सकते हैं। ऐसी दोस्तों विप्रो है, विप्रो में भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 382 के आसपास आया है विप्रो, और विप्रो आज की बात करें तो 387 से 382 आया है। बट विप्रो भी एक लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि अच्छा स्टॉक है, और हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें 15 स्टॉक्स बताए थे जिसमें विप्रो को भी रखा था। तो विप्रो को भी आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही दोस्तों एक्सिस बैंक लग रहा है कि एक बार यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी करेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक का चार्ट अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक में यहाँ पे हम क्या करते हैं डायरेक्टली ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अगर ये 940-942 के ऊपर निकलता है अगर एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक को भी बाइंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप रडार में रख सकते हैं और इनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी मंडे को क्या रहता है मार्केट का, हम जब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे 9:15 से 10:15 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वहां पे हम देखते हैं मार्केट का क्या बिहेव है, मार्केट किस तरीके से काम करा रहा है, क्या हमें मार्केट में खुलते ही ब्रेकआउट्स मिलेंगे, क्या उस ब्रेकआउट्स पे किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके ऑप्शंस पे हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको मंडे को ही बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमने जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कुछ स्टॉक्स बताए, उनको आप ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे तो मुनाफा हो सकता है आपका। बट दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस इस गेम का पार्ट है। कभी आपके स्टॉप लॉस लगेंगे, कभी आपके टारगेट आएंगे, तो उससे नर्वस होने वाली बात नहीं है। अगर आप इससे नर्वस हो रहे हैं तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं, आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। देखो क्लियर कट बात हो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर्स को भी नुकसान होता है, लॉस इस गेम का पार्ट है। छोटे छोटे नुकसानों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों। एक टाइम होता है, कभी आपका होता है, अभी आप देखेंगे तो एक महीने डेढ़ महीने से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, डेली प्रॉफिट हो रहा था। एक दो दिन से बाजार थोड़ा सा हमारे फेवर में नहीं चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ये भी क्या है कि एक बैड फेस है। इस बैड फेस से भी दोस्तों आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बट अभी भी बोलना चाहूंगा कि अभी आप आशा बंधा के रखिए, क्योंकि अभी भी एसएल ट्रिगर नहीं हुए हैं। खैर दोस्तों जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं इनमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।